योग व आयुर्वेद की धरती भारत में आधुनिक विज्ञान के समायोजन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास हुआ है। पेट स्कैन व लीनियर एक्सेलरेटर जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज भारत में 50 से भी अधिक अस्पतालों में उपलब्ध है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मेदांता और पारस हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में विश्वविख्यात डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर अरुण सरोहा, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, डॉक्टर मानस कालरा, डॉक्टर विनोद रैना, डॉक्टर रमा जोशी, डॉक्टर राणा पातेर, डॉक्टर विकास दुआ, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर सुरेश अडवाणी और डॉक्टर जे एस विर्क जैसे डॉक्टर्स ने कैंसर के इलाज में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। टॉकिंग अबाउट बिनाइन बोन ट्यूमर्स, या जिन्हें हम आम भाषा में हड्डी की रसोली भी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नथिंग टू फियर इन इट कि वो कहीं पे शरीर में फैलेगी नहीं, लाइक अ बोन कैंसर और अ मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर और कैंसर। बट येस, ट्रीटमेंट इन देम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। दिस इज बिकॉज आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स हु हैव बीन डायग्नोज विद बोन ट्यूमर्स दैट यदि आपको अनरिलेंटिंग पेन हो रही है, देर इज नो पॉइंट taking painkiller medications every day when it can be treated properly and there is no need for taking long-term medications. Also, these bone tumors sometimes they can cause damage to the bone. Wo haddi ko weak kar sakte hain and ultimately you can have a fracture even with a minor injury ya thoda sa pair udhar udhar pada aapka, you can have a major fracture because of these underlying bone tumors. So bone tumors such as aneurysmal bone cyst, simple bone cyst, osteoblastoma, chondroblastoma, ये कई प्रकार के होते हैं। So doing proper treatment in them is equally important. आजकल इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि we have some minimally invasive, कि we don't need to do a very big surgery, हमें कुछ बड़ा कोई surgery करने की ज़रूरत नहीं होती है, even with कुछ chemicals which are injected into these bone tumors, उनसे इनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट वी कैन डू अ ट्रीटमेंट नोन एज स्क्लेरोथेरेपी। इसके अंदर एक स्क्लेरोजेंट एक एजेंट होता है जिसे हम सिस्ट के अंदर डालते हैं एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स द सिस्ट इज यूजली हील्ड। फॉर ट्यूमर सच एज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्निक है विच इज नोन एज रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। सो यूजली सीटी स्कैन की मशीन में वी कैन पिन पॉइंट वेयर दिस ट्यूमर इज, we can enter into the tumor and we can burn it with a ablation machine, जिसे हम CT guided radio frequency ablation कहते हैं। आज से 10-15 साल पहले इसके लिए open surgeries की जाती थी, which used to cause a lot of blood loss, long recovery period, and sometimes these tumors were so small कि वो कभी कभी miss भी हो जाते थे in a open surgery. So CT guided radio frequency ablation for osteoid osteoma is the gold standard treatment these days. Osteoid osteoma अबाउट 10-15 ईयर्स बैक यूजली इसके लिए ओपन सर्जरी की जाती थी, विच वॉज अ वेरी बिग सर्जरी। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था, देर यूज टू बी अ लॉन्ग रिकवरी पीरियड, एंड समटाइम्स ये लीजन्स इतने छोटे होते हैं कि वो ऑपरेशन के दौरान मिस भी हो जाते थे। सो नाउ डेज फॉर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज सी टी गाइडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। सो इसके अंदर सी टी स्कैन की मशीन में ही हम लीजन को पिन पॉइंट करते हैं, उसके अंदर वी कैन एंटर एंड वी कैन बर्न द लीजन विद द हेल्प ऑफ अ अब्लेशन मशीन। सो दिस इज ऑल्सो अ डे केयर प्रोसीजर, पेशेंट कम्स इन द मॉर्निंग, गेट्स देयर रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन डन एंड दे आर डिस्चार्ज द सेम डे। सिमिलरली फॉर ट्यूमर्स लाइक ऑस्टियोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, जिनका साइज छोटा होता है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर्स, वी कैन डू रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लीजन सच एज एनकॉन्ड्रोमा और कॉन्ड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा, ये भी बड़े आम प्रकार के ट्यूमर्स डायग्नोज किए जाते हैं। सो इन दीज ट्यूमर्स ऑल्सो वी कैन ऑफर सर्जरी सच एज अ क्यूरेटाज, बोन ग्राफ्टिंग और सीमेंटिंग, एंड पेशेंट यूजली हैव वेरी गुड रिजल्ट्स।